फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट एंड ब्लूम्स। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बहुत सारा तामझाम और इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है ऑलरेडी। और अब मेरे पास आए हैं और रेन लिलीज़ आए। क्या गाइस, मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए, ये ना एक्चुअली मेरा बहुत पुराना पॉट था, तो इस पॉट में भी बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गया था। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रूट हो रखी हैं, और बारिश भी होके चली गई, बट ना तो मुझे इसमें ढंग से ग्रोथ मिल रही है, ना सही से फ्लावर्स। भले ही बर्ड्स बनी हुई हैं, बट आप इनके बर्ड्स पे मत जाइए, ये और भी बड़े बड़े फ्लावर्स देते हैं, और ना मुझे इनमें अभी फ्लावर्स मिले। तो मैंने देखा कि ये हो रहा है रूट बाउंड, तो अभी मैंने इसको इससे डिवाइड कर लिया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे मिक्स एंड मैच बहुत पसंद है, तो अभी मैं ये जो सिर्फ ये वाला जो पॉट है, सिर्फ मैं रेन लिलीज और कुछ कटिंग्स मैंने ग्रो करी हैं वंडरिंग जी वगैरह की, तो उनका ये पॉट बनाने वाली हूँ मैं ये। तो चलिए फटाफट तैयार करते हैं अपने इस छोटे से क्यूट से पॉट को। तो फ्रेंड्स, बेस्ट पार्ट है आपका ड्रेनेज होल प्लांट में ज़रूर होना चाहिए। ड्रेनेज देखिए मेरे कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 ड्रेनेज होल है। इस पर मैं कुछ इस तरीके से ये लगाऊंगी, जिससे कि ये कवर हो जाए और पानी भी ना गिरे। कुछ इस तरीके से मैंने कवर कर दिया है। कुछ मिट्टी है मेरे पास ऑलरेडी, तो अभी फटाफट इसमें इसको डालते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने थोड़ी सी इसमें मिट्टी भर ली है, और ये देखिए मैं इसको बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करने वाली हूँ, बीचों बीच इस तरीके से यहाँ पे रखूँगी और यहाँ तक इसके मिट्टी आएगी। तो आपको भी ऐसे करना है, थोड़ी मिट्टी भरने के बाद एक बार नाप लें। तो ये ऐसे रहने वाला है, और इसके साइड में मैं कटिंग्स लगाने वाली हूँ। एक मैं कटिंग लगाने वाली हूँ अपनी इसकी, और उसका रिज़ल्ट भी देख लीजिए आप। पानी में ही ग्रो किया है मैंने ग्लास में, और ये देखिए, तो ये यहीं पे लगेगा। अभी फ़िलहाल इसे पानी में दोबारा दे देते हैं, और कुछ कटिंग्स में इनकी वंडरिंग जियो की लगाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट पहले मैं फिल कर लेती हूँ मिट्टी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बोलती हूँ, मेरी मिट्टी में ऑलरेडी वर्मी कंपोस्ट वगैरह रहता है, और ये देखिए पहले से ही रेडी है। तो अभी मैं इसी मिट्टी को इसमें डालने वाली हूँ। ये देखिए, बहुत छोटा सा पॉट है गाइस ये। तो चलिए पहले फटाफट इसको सेट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। तो अभी फ्रेंड्स देखिए, ये इस तरीके से मैंने ये पॉट तैयार कर दिया है, और अभी मैं यहाँ पे कटिंग लगाऊंगी। अभी और फिलिंग होगी प्लांट की। तो ये मिट्टी, इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये देखिए, मैं आपको पॉट दिखा देती हूँ। पॉट बिल्कुल तैयार है, कुछ मिक्स एंड मैच ही नियॉन कलर के हमारे स्वीट पोटैटो वाइन एंड ऑर्नामेंटल वाइन एक्चुअली, और ये इधर रेन लिली और कुछ कटिंग्स मेरी ये वंडरिंग जीव की। तो अभी मैं इसको पानी दे देती हूँ फटाफट। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल तैयार है ये पॉट और रेडी है, मैंने पानी दे दिया है इसमें। अब कुछ दिनों का वेट करेंगे हम, और उसके बाद आप देखिएगा गाइज, ये बहुत खूबसूरत लगने वाला है। एक बार मिट्टी बैठ जाएगी तो ये कटिंग्स भी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। सो दैट्स ऑल आज के लिए। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड गाइज, जो थोड़ा सा मैस हो रहा है, देखिए हम गार्डनिंग का काम करेंगे तो थोड़ा
मैस हो गई होगा तो इसको अवॉइड कीजिएगा। बाकी फोकस ऑन माई प्लांट, दिस मिक्स एंड मैच ब्यूटी। फिर मिलूंगी मैं आपसे नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।